फिर से एक अनुग्रह दिन दान में देने वाले परमेश्वर को महिमा देते हुए आप सभी का वचन की इस सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के 18वें वाक्य से मनन करेंगे, जो इस प्रकार है, जातियों ने विरोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, अब है समय आ पहुंचा है कि मरे हुए को न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। आज हम इस अनुग्रहित वचन में से द टाइम ऑफ रिवॉर्ड अथवा प्रतिफल का समय के विषय में मनन करेंगे, जहां पर परमेश्वर को जाने बिना पाप में जीवन बिताने वाले लोगों के लिए आने वाला समय न्याय का होगा, वहीं परमेश्वर को जानकर उसके सत्य वचन पर चलने वाले और जीने वाले लोगों के लिए एक प्रतिफल का समय होगा। किसको प्रतिफल मिलता है? ये वचन कहता है कि परमेश्वर के दास, भविष्यवक्ताओं, पवित्र लोगों और उन छोटे बड़ों को जो परमेश्वर के नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। परमेश्वर का भय मानकर जीने वाले सभी को प्रतिफल मिलने का समय आएगा। नीति वचन 11वें अध्याय के 18वें वाक्य में ऐसा लिखा है, जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। पहले कुरिंथियों के 3रे अध्याय के 8वें वाक्य में ऐसा लिखा है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। प्रियजनों, इस दुनिया में विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने हमें जो कार्य करने के लिए दिए हैं उन्हें किसी लाभ की आशा करे बिना पूरा करने में परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। इस दुनिया के नियम में यदि परिश्रम के अनुसार ही वेतन दिया जाता है तो वहीं स्वर्ग राज्य के नियम में परिश्रम के अनुसार प्रतिफल दिया जाता है। स्वर्ग राज्य में प्रतिफल पाने के लिए हम आज क्या सेवा करते हैं? प्रभु के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं? हम खुद अपने आप को एक बार जांचने पाए। परमेश्वर के नाम से किए हुए कामों को प्रेम से करना चाहिए। मसीह यीशु मत्ती के 6 अध्याय के 4 वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम जो अच्छे कार्य करते हैं उनका प्रतिफल पाना है तो उसका प्रचार करे बिना रहस्य में करना चाहिए, ये मसीह कहता है। यीशु के समय में शास्त्री लोग मनुष्य की प्रशंसा पाने के लिए, नाम और महिमा पाने के लिए दान धर्म करते थे। यीशु उनके कार्यों को देखकर कहते हैं कि तुम्हारा प्रतिफल तुम्हें मिल चुका है। आज सुबह हम परमेश्वर के अच्छे दास बनकर बायां हाथ से दिया हुआ दायां हाथ भी ना जानने पाए, इस प्रकार हम परमेश्वर के नाम से अच्छी सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस पृथ्वी के कुछ समय में हम स्वर्ग में अपने निवेश को बढ़ाने वाले बने। कैंपस क्रूसेड नामक संगठन को ना जानने वाला कोई नहीं होगा। बहुत ही कम समय में ये यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के बीच एक बड़े आत्मिक बढ़ोतरी करने में, हजारों युवाओं को मसीह में लाने में, वचन प्रचार के लिए नेतृत्व करने में और पूरे संसार में वचन को बांटने में सबसे कुशल साधन बन चुका है। जीसस नामक सिनेमा दुनिया को देने वाला एक आश्चर्य है कैंपस क्रूसेड। आज 191 से ज्यादा राज्यों में 25,000 से ज्यादा मिशनरी इस संगठन से परमेश्वर को गवाही दे रही है। इस संगठन की शुरुआत करने वाले आज मसीह यीशु में विश्राम पाए हुए इसके फाउंडर बिल ब्राइट नामक व्यक्ति के बारे में मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था। एक बार बिल ब्राइट और उनकी पत्नी ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी कि किसी को भी ना बताकर बिना किसी गवाही के उनके जीवन, संपत्ति और उनको मिलने वाला सब वह मसीह को दे देंगे। प्रतिफल की आशा करे बिना उनका सब मसीह को देने वाले दास को परमेश्वर ने बहुतायत से अनुग्रहित किया। संगीतकार ऐसा गाता है, एक दिन तेरे समुख आऊंगा मैं।
उस वक्त खाली हाथों के साथ खड़ा होने ना पाऊं। इस अनुग्रह दिन में प्रतिफल का समय है, इसका बोध पाकर किसी लाभ की आशा करे बिना परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करने में परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। जय मसीह की।